तो हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल अब के चैनल पर। तो टेक्निकल अब आपके लिए एक और मज़ेदार सी वीडियो लेकर आया है। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आज मैं इस लेज़र सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ कि एक ऐसी गलती है जो आप भूल कर भी मत करना। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार चलिए, तो मैं अपना सॉफ्टवेयर चालू कर लेता हूँ जो लेज़र मशीन का सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर काफ़ी बंदे पूछते हैं कि किसका है, किस कंपनी का है। ये वैसे बेस्ट सर्विस वालों का है सॉफ्टवेयर, तो ये अभी का नहीं है, ये 4 साल पहले का है जो चला रहे हैं हम। तो इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो 23,416 कुछ दे रखे हैं। तो आप इसमें बेस्ट सर्विस वालों में ज़्यादा डिज़ाइन दे रखे हैं मुकाबले बाबा टूस और ट्रिंक वालों से, क्योंकि काफ़ी जो बंदे हैं अपना सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, जो एम्बिशन गिफ्ट्स हो गए, काफ़ी बंदे हैं जो लोकल्स में अपना न्यू सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं। तो लेकिन आपको मैं एक ऐसा बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप किसकी वीडियो, मतलब कि किसकी मशीन्स ले, जैसे कि आप बेस्ट सर्विस बाबा टूल्स या फिर आप ट्रिंक की या फिर कोई भी हो गया, लोहिया की हो गया, आप किस कंपनी की ले आपको बेटर है लगे, तो मैं उसकी एक अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ प्रॉब्लम। जैसे कि आपको एक बात और बता दूँ कि बाबा टूल्स में या ट्रिंक में आपको काफ़ी ही कम डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जिसके पास होगी वो आपको पता होगा, उनको पता होगा कि काफ़ी कम डिज़ाइंस है। बेस्ट सर्विस में आपको काफ़ी डिज़ाइंस ले जाएंगे, क्योंकि बेस्ट सर्विस वाले में भी दिक्कतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी की काफ़ी डिज़ाइंस हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी और कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होती होगी कुछ काटते हुए, इनग्रेविंग करते हुए, तो लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही चीज़ें हैं जो आपको लेकर चलनी होती है। मैंने ट्यूटोरियल्स भी डाल रखे हैं CO2 लेज़र ट्रेनिंग के हैं, तो कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी लेते हैं बहुत से जो बंदे होते हैं जो जिनको वीडियोज़ में पसंद नहीं आता, कि मतलब कि उनको समझ नहीं आता कि हमें इस टाइप की करना चाहिए, इस टाइप से करना चाहिए, लेकिन उनको पॉइंट ऑफ व्यू उनके अलग ही होते हैं, जो उनके जो माइंड में चल रहे होते हैं, तो वो ढंग से हमें बता नहीं पाते, यूट्यूब के माध्यम से बता नहीं पाते, लेकिन वो जो है वो हमसे ट्रेनिंग लेते हैं पर्सनलाइज, जो उनके क्वेरीज होती हैं, मन में क्वेरीज होती हैं वो हमें बताते हैं और उनको हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखो जैसे कि काफ़ी जो बंदे देखा होगा उन्होंने जो इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है, अब जैसे कि मैं बता दूँ बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो मैं बताने वाला हूँ कि एक कौन सी मेन प्रॉब्लम है वो भूल कर भी मत करना। तो पहले ये एक दो तीन पॉइंट्स देख लो, जैसे कि आप ये देख लो काफ़ी जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ये इंग्रेविंग के डिज़ाइन बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि आर्मी डिज़ाइन हो गए, जैसे कि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा दे रखे हैं। जो बंदे होते हैं ना वो कस्टमाइज मांगते हैं, मतलब कि अपना कोई पर्सनल डिज़ाइन मांगते हैं, वो कैसे इम्पोर्ट करें, वो कैसे एक्सपोर्ट करें, वो कैसे बनाएं, तो उसकी भी डिज़ाइंस की ट्रेनिंग होती है। जैसे कि आप देख लो ये चीज़ बना रहे हैं काफ़ी बंदे 3D में बना रहे हैं, तो ज़्यादा टेम्पर्ड में नहीं चलता इस मशीन से। हम कुछ नया टेक्निक लेके आ रहे हैं इस मशीन को यूज़ के लिए, जैसे कि ज़्यादा बंदे मतलब कि टेम्पर्ड बेच के अपना मशीन की कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि जिसकी होलसेल की दुकान है या फिर आप होलसेल में बेच रहे हो, आपकी रिटेल में अच्छी शॉप चल रही है, तो आप उस मशीन को ले सकते हो। मैं ये वीडियो बताऊंगा कि आपको मशीन क्यों लेनी चाहिए, किस पर्पस पे लेनी चाहिए, या फिर आपको किस माध्यम से, किस ब्रांड से लेनी चाहिए, किस मतलब कि किस मार्केट में आपको क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कि क्या क्या आपको लेने के वक्त आपको क्या क्या पूछना है, ठीक है ना, क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए उस मशीन के, तो आपको मैं सब बताने वाला हूँ उसकी अगली वीडियो में। तो जैसे कि आप बैक डिज़ाइन देख लो, तो जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता रखा है कि इसमें आपको वो नहीं पता होता कि कितने mm का, कितने mm का दे रखा है, और कुछ आप कार्ड भी लेते हो तो असेंबल नहीं हो पाता, ठीक है ना, तो वेस्टेज हो जाता है वो सारा, ठीक है। अब बारबी फ्लोवर डिज़ाइन देख लो, ठीक है ना, ये वेस्टेज हो जाती है आपकी, मतलब कि हर चीज़ में आपकी वेस्टेज तय होती है। मतलब कि कैसे, अब मैं बताऊँ, जैसे कि अब मान लीजिए 2 mm की है
ये मान लीजिए आपका ये 4 mm का दे रखा है, तो आप 2 शीट के 1 mm में काट लेते हो, तो आपका ये वेस्टेज हो गया, तो वो ढंग से फिट ही नहीं हो पाएगा ना ये चीज़ जो है आपका। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ये बटरफ्लाई दे रखी है, ठीक है ना, तो ये अटैच कैसे होएगा, ये देखो ये चीज़ दे रखे, हुक दे रखे है, तो ये आपको कन्फ्यूज़न करने वाली बात होती है, ठीक है ना, तो अटैच कैसे करोगे, ठीक है ना, ये सारा, ये देखो जैसे ये चीज़ है, अब ये कहाँ लगेगा, ये सब आपको कन्फ्यूज़न करने की वाली बात होती है। ये आप 2 mm का दे रखा है, 4 mm का दे रखा है, हालांकि हमने ये वीडियोस में बता रखे हैं कि ये कितने एमएम का साइज़ कैसे नापा जाता है, तो ये कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई आपकी कि कितने डिज़ाइन दे रखे। तो आप जैसे कोई भी बेस्ट सर्विस वाले हो गए, या फिर ट्रिंक वाले हो गए, या फिर आप बाबा टूस हो गए, लोहिया हो गए, कोई भी अपना डिज़ाइन जब अपलोड करते हो ना, तो ये साइड में लिख दिया करो कि इतने एमएम का है, या फिर आप इतने एमएम का शीट का दे रहे हो, तो वो आपका क्लियर रहता है, बंदे को क्लियर रहेगा। आप देखो जैसे कि बहुत ही बंदों को, जैसे कि अब मैं ही, हमें ही मान लो कि हमें ही कन्फ्यूज़न हो जाती है, एक ही टेम्पर्स के आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हम iPhone X का देखते हैं, iPhone X का अब BB डाला मैंने, तो आ गया फ्रंट टेम्पर्ड सारे, ठीक है ना, iPhone Pro Max का आ गया, अभी तो X डाला था मैंने, तो Pro Max का X भी आ रहा है। अब देखो, अब जैसे कि मैं आप बताऊं, ये काफ़ी बंदे बहुत ही गलतियां करते हैं, देखो जैसे कि एक्स भी, ठीक है ना, एक्स का 2B, ये आप देखो कौन सा अब आपको काटना पड़ेगा। जैसे कि आप काफ़ी बंदे हैं जो शीट काट कर वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि अपना पेज वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो मशीन काट रहा है, जैसे कि ये अब मान लीजिए परफेक्ट साइज नहीं निकलता काफ़ी बंदों का ऊपर नीचे आता है कभी कभी, कभी काफ़ी बंदों का नीचे छोटा आता है, कभी काफ़ी बंदों का बड़ा आता है, तो बहुत ही जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सॉफ्टवेयर में। तो अब थोड़ा सा अपडेट होने लग रहा है, तो सारे मॉडल्स अब करेक्ट आ रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं iPhone X का दिखा रहा था, एक बार दिखा लेता हूँ आपको iPhone X का। अब देखो जैसे कि आप iPhone X का देखो, X2 भी, तो ये भी दे रखे है, ठीक है ना, तो ये कुछ आपको ये साइज़ में डिफरेंस दे रखे होंगे, तो काफ़ी बंदों को कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है ना। तो लेकिन वो चीज़ भी है आपको, ये देखो ये जैसे कि होल हो गया, ये 4 होल हो गए, ये अलग टाइप के भी दे रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ना, जैसे कि मान लीजिए सेम एंगल के सेम, मतलब कि साइज़ अलग अलग दे रखे हैं, मतलब कि कैसे एंगल कैसे, जैसे कि ये चीज़ है, अब देखो ये चीज़ हो गई, अब ये आप साइज़ देखोगे 138.481 है, और इसका देखो, इसका नहीं, इसका 138 था, 136 है, तो 2 mm और बढ़ गया। तो ऐसे छोटे बड़े दे रखे हैं आपको, कन्फ्यूज़न की करने की बात हो गई, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो ना, 138 था, मैंने 136 आपको ऊपर दिखाया, देखो 136, ठीक है ना, ये 2 mm बड़ा हो गया, 2 mm छोटा हो गया, तो ऐसे आपका मतलब कि बड़ा टेम्पर्ड हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको काफ़ी डिज़ाइन दिखा सकता हूँ, देखो जैसे इनग्रेविंग के डिज़ाइन है, काफ़ी बंदे हैं जो कोरल ड्रो की बहुत ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको डिज़ाइन चाहिए, बाबा टूल्स वाले, ट्रिंक वाले हो गए, उनको मशीनों में भी बहुत दिक्कतें आती है, उनकी हमने कई समाधान दिए, मतलब कि सॉल्व करी है प्रॉब्लम्स, बहुत कई सारी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, तो वो हेल्प नहीं करते, काफ़ी बंदे हैं जो हेल्प नहीं कर पाते, तो हमसे वो पेड सर्विस लेते हैं। तो जैसे कि आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊं, ठीक है ना, ये आपको ये इसमें 3D मॉडल्स नहीं दे रखे, लेकिन हम आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारे जो मॉडल्स रहेंगे, जैसे कि इस टाइप के हो गए, जो बाबा टूल्स की, जिसने ट्रिंक की ले रखी है, तो उन सभी को डिज़ाइंस की प्रोवाइड हम कराएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये इनमें ये नहीं, इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन डिज़ाइंस। और जिसने भी अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ से डिज़ाइंस लेने हैं। एक हमारी साइट है जो मतलब कि डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, अभी हमने काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिले चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें भी पर्सनल वर्क होता है हमारा भी, तो हमारा भी थोड़ा सा पर्सनल टाइम दो,
तो हम जल्द ही मतलब कि आने वाले टाइम में हम आपको काफ़ी सारे जो इस प्रकार के डिज़ाइंस है ना, इनग्रेविंग के डिज़ाइंस है, बहुत ही सारे डिज़ाइंस आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3D मॉडल्स है हमारे पास, ज़्यादा 3D मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी साइट्स हो गई, तो डिज़ाइंस में आप जाओगे, आपको डिज़ाइन में आपको काफ़ी सारे जो है मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी लेट ओपन हो रही है, अगर आपको ज़्यादा हो सके तो आप कंप्यूटर में साइट खोलें। फ़ोन में क्या होता है कि फ़ोन में आप डाउनलोड का थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। ये आप क्रोम पे ज़्यादा खोलें, जैसे कि आप मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक ओपन करके ही आप जा सकते हैं। जैसे कि आपको टेक्निकल हब डॉट ऑनलाइन, www.technicalhub.online लिखेंगे तो आपको खुल जाएगी। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बंदों को क्लोक चाहिए होती है, ठीक है ना, एक्रेलिक लैंप की। अब क्या होता है, काफ़ी बंदों को अब 3D मॉडल्स चाहिए, ठीक है ना। ये देखो जैसे कि ये चीज़ होगी, अब ये चीज़ आपको फाइल आपको डाउनलोड करके पता चल जाएगा कि कितने एमएम की दे रखी है, ठीक है ना। आपको मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कैसे पता चल जाएगा, 3D मॉडल्स होते हैं। तो ये देखो जैसे कि आप इसी में देखो, आपको पता नहीं चल रहा कि ये क्या बना हुआ है। आप यहाँ पे देखो, आपको पता तो चल रहा है कम से कम कि ये हमारा आइटम बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसकी फाइल डाउनलोड कर सकते हो कि ये बन सकता है, ठीक है ना, ये बन सकता है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो आपको इस टाइप से आपको पता लगता रहेगा कि आप ये बना सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा डिले चल रहा है, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है आज, तो कोई बात नहीं। जैसे कि देख सकते हो ये बना सकते हो, ये एक्रेलिक का हो गया, कुछ भी अपने इंग्रेविंग डिजाइंस हो गए, ठीक है ना। तो ये आप कभी भी मतलब कि कुछ भी आप कहीं भी बैठ के ये डाउनलोड कर सकते हो, फ्री के डिजाइंस पा सकते हो। मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा इसमें अपलोड करने में, लेकिन मेरे को कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं आपका अपलोड नहीं कर पा रहा यहाँ पे, लेकिन जल्द ही मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिजाइंस इसमें बहुत सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। कुछ टाइम लगेगा सर, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज। काफ़ी सारे पेज दे रखे हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी सारे पेज दे रखे हैं। अब पेज 5 ओपन करता हूँ, तो इसमें आपको बड़ी से बड़ी मशीन्स हैं जिसके पास मतलब कि 18 बाय 18 इंच या फिर 2 बाय 4 बाय 3 फीट, काफ़ी बड़े जिसके पास बड़ी मशीन्स हैं उनके पास भी हमारे पास डिज़ाइंस पड़े हैं, ठीक है ना। वो चीज़ होती है, अब जैसे कि अब मान के चलिए, ठीक है, बड़े काफ़ी जो डिज़ाइंस होते हैं ना इनग्रेविंग के हो गए, काफ़ी बंदे अलग अलग प्रकार के इनग्रेविंग करते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बंदे अलग अलग प्रकार की इनग्रेविंग करते हैं, जैसे कि हम सब्लिमेशन मतलब कि सब्लिमेशन सॉरी सैंड ब्लास्टिंग की हो गई, ठीक है ना, जैसे कि काफ़ी सारी हो गई। तो जैसा कि हमारा पेज 5 भी ओपन हो रहा है, देखो जैसे कि सब्लिमेशन का मैं कह रहा था, सब्लिमेशन का सॉरी सैंड ब्लास्टिंग होती है, एक सैंड ब्लास्टिंग होती है जो मिरर पे इनग्रेविंग करते हैं, ग्लास पे, ठीक है ना, वो चीज़ है। अब जैसे कि विंडोज़ हो गई, अब विंडो देखो ऐसे ब्लर किए जाते हैं। अगर हम बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ चल रहे हैं तो आप मशीन का बहुत ही कुछ फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही बंदे क्या होते हैं कि काफ़ी बंदे हैं जो मतलब कि यूं ही मशीन लेके आपने रख रखी है, मतलब कि काफ़ी बंदे दिख जाएंगे मेरे को, काफ़ी बंदे आते हैं कि सर हमने मशीन लेके रख रखी है, इस्तेमाल नहीं किया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो हमने ये मशीन लेके अभी तक रख रखी है, तो हमने कुछ उससे वर्क नहीं किया, हमें बिकवा दो, जो लेज़र ट्यूब है मतलब कि लेज़र मशीन है वो बिकवा दो। तो ऐसा नहीं है सर, हमने तो हार कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमारा तो ये ओपिनियन है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप फ्रेम के डिज़ाइंस हो गए, अब MDF भी आपको देखो काफ़ी अलग अलग टाइप के आते हैं मार्केट में, कभी अलग अलग टाइप के इस टाइप के भी आपको दिख जाएगी। प्लाईवुड हो गई, अब प्लाईवुड है ये सारा, ठीक है ना, ये प्लाईवुड दे रखा है आपको। जैसे कि आप ये इस टाइप की फाइल दे रखी है, ये आपने अलग फाइल काट ली A4 में, चाहे आप A4 से हो गए, छोटी से छोटी मशीन में आप ये चीज़ आप बड़े आसानी से बना सकते हो, लेकिन क्या होता है कि वो अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। चाहे आपको ये बनाना हो, चाहे आपको बड़ा आइटम बनाना हो, चाहे आपको कुछ भी बनाना हो, ठीक है ना। काफ़ी बंदे होते हैं जो बड़ी मशीन ले लेते हैं, ठीक
एकदम बड़ी मशीन। तो चलिए वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब जैसे कि आपने डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब काफ़ी मैं आपको एक बात बात बता देता हूँ। जैसे कि लैंप में, अब लैंप में देख ले, काफ़ी सारे आपको लैंप मिल जाएंगे, मतलब कि ट्रिंक में दे रखे हैं, शायद बाबा में दे रखे हैं, और आपको इसमें भी दे रखे हैं, बेस्ट सर्विस में भी, और कई सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ है ना, बंदों को इनग्रेविंग और कट करने में डिफरेंस, मतलब कि बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है ना। अब काफ़ी बंदे अलग अलग टाइप के बताते हैं। अब जैसे कि कंपनी वाले हो गए कि किस टाइप से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि अलग अलग टाइप के बताते हैं। अब जैसे कि इनका लोड भी बहुत ही दिक्कत देता है, इनकी लो फाइल्स होती हैं, और फाइल्स भी ये भी नहीं दे रखी होती बाबा टूल्स में, ट्रिंक में हो गई, और लोहिया में हो गई, जो चाइनीज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके दे रहे हैं मशीन, जो अन्य कंपनी हो गई, वो आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो, आप जरूर देखना, जो कि मैं ये वीडियो डालूंगा कि आप कैसे किस मशीन पर्पस खरीदें, ठीक है ना। आपका हर बंदे का पर्पस अलग रहता है, कोई गिफ्ट आइटम बनाना चाहता है, कोई मोबाइल के एसेसरीज के लिए लेना चाहता है, कोई की चेन्स, कोई गैरेज के लिए, मतलब कि गैराज होता है जिसका, ठीक है ना, नेम प्लेट नंबर प्लेट हो गया। तो काफ़ी मॉडल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसने भी यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखो, जैसे कि अब ये काफ़ी बंदे कहते हैं कि हमें यार एक चीज़ दे रखा है, ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको ये काटोगे ना तो ये आपका कट हो जाएगा। काफ़ी बंदों ने ना क्या कर रखा है, ये गलत बता रखा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि ये देखो, बंदों ने बता रखा है कि ये ब्लैक पे क्लिक करो, ऑल से हटा के इसको भी यहाँ से हटा दो, अब क्या होगा, ये पूरी फाइल कट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। वो चीज़ आपका गलत हो जाता है, यहाँ से हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत ही बंदे मतलब कि समझ नहीं पाते ये पर्पस, ठीक है ना। होता है लेकिन ये सही भी होएगा, ठीक है ना। क्या चीज़ होगा कि रेड आपका कट होएगा, रेड पे क्लिक करोगे तो आपका ब्लैक होगा, तो ब्लैक पे कट करोगे। काफ़ी बंदे ये पर्पस नहीं समझ पाते, तो हम थोड़ा सा आसान लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको क्या करना है, तो काफ़ी बंदों का ना ये जो साइज होता है ना, ये भी अलग होता है, ठीक है ना। अब डिजाइन में क्या होता है कि अब मैंने मान लीजिए एक बढ़िया सा एक मतलब कि नाइट एक्रेलिक लैंप बनाना है, वो भी मतलब कि ये साइज भी आपका इक्वल होना चाहिए ना। अब ये फिट नहीं होगा तो आपका नाइट एक्रेलिक जो ग्लो करेगा वो भी आपका करेक्ट नहीं करेगा, आधे में फेंकेगा रोशनी, आधे में नहीं फेंकेगा, वो तो आपका गलत हो जाएगा ना। कोई कोई बड़ा करके, इसको बड़ा करके ये साइज भी बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ दिक्कतें आ गई। अब देखो जैसे कि मैंने अनग्रुप किया, इसको मैंने अनग्रुप किया अनग्रुप किया, तो अनग्रुप करते ही हमारे सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पूरा ही ट्यूटोरियल्स में बता रखे हैं काफ़ी सारे। जो हम हमारा ये देखो, अब ये जो दे रखा है हमारा, ठीक है ना, इसको हम एक तरीका से कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि हम रेड वाली को लाइन को टच करा, लाइन लाइन टच करा, तो हमारा ये सिलेक्ट हो गया कि हमारा ये, ठीक है ना, अब ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कट इजीली, कुछ नहीं, राइट क्लिक करके हमने कट कर लिया, राइट क्लिक करके हमने कट कर लिया, और ये सभी को हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि अब आ गया, सिलेक्ट हो गया, ग्रुप कर लिया। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। फिर जो हमने कट किया था वो पेस्ट कर लिया, ठीक है, पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो वो आ गया, दो फाइलें बन गई, एक इनग्रेविंग की एक कट की। इजी है, बहुत ही इजी है। वापस से अगर देखोगे तो, वापस से अगर मैं दिखा दूँ आपको, चाहे आपको मैं इसकी दिखा दूँ, ठीक है ना। तो दो तीन मेथड होते हैं जो इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि अब ये आ गया, अब अनग्रुप है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो आपको ये सारा दिखा रहा है, ठीक है ना, ये सारे अभी सिलेक्टेड है, लेकिन हमें को ये ब्लैक चाहिए, रेड, हमने रेड को क्लिक किया। अब रेड पे यहाँ पे एक देखो डार्कनेस आ गया, मतलब कि जो होगी इस टाइप की आ गई, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, कट कर ले, यहाँ से हमारा डिलीट हो गया वो, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड से हम जो भी हमने सिखाया है आज तक, हमने जिसको भी हमने कुछ भी सिखाया है वो हमने सिंपल तरीके से बताया है, ठीक है ना। चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो गई, चाहे आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व हो गई, वो हमने बहुत ही आसानी से करी है, ठीक है ना।
क्योंकि काफी बंदे को ये जानकारी नहीं होती, ठीक ना, हर चीज की। अगर आपको जानकारी हो जाएगी ना हर चीज की, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। देखो अब मैंने कुछ किया नहीं, वो अपने आप नीचे आ गया, ठीक है। 2 सेकेंड, ये थोड़ा ना दिक्कतें देता है सॉफ्टवेयर, काफी बहुत ही दिक्कतें देता है। अब जैसे कि ये चीज हो गया, हमने ये ग्रुप कर लिया, ठीक है ना यार। थोड़ी वीडियो लंबी होती है, क्यों होती है, आप लोगों के लिए ली होती है कि आपको सही जानकारी आपको मिल सके, बराबर मिल सके, ठीक है ना। अब मैंने जो कट किया था वो पेस्ट कर लिया, 2 फाइलें हो गई, एक कट की एक इंग्रेविंग की, ठीक है ना। जो हमने इंग्रेविंग किया था ये हमने इंग्रेविंग पे है, ये हमारा कट पे है, तो दोनों को लेके चलेंगे साथ में। बहुत ही आसानी तरीके से हमने जिसको भी हमने ट्रेनिंग दी है या फिर हमने कुछ भी हमने किया है, ठीक है ना, वो हमने एक साथ दिया है। अब देखो ये चीज हो गया, अब आपका काफी बंदे, अब इस पैनल पे आता हूँ तो काफी बंदे अपना ही तरीका बताते हैं, ठीक है ना। अब इनग्रेव प्लस कट होएगा तो आपका पहले इनग्रेव होएगा, जैसे कि हमने बताया था कि ब्लैक वाला आपका इनग्रेव वाला है, ठीक है ना। और ये पॉली रे कट है तो आपका ये आउटलाइन एकदम अचानक से इनग्रेव होके अपना ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। लेकिन काफी बंदे हैं जो गलत तरीके से बताते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो रहेगा। क्योंकि क्यों बताते हैं, अब जैसे कि हमने ये देख लो, ये कहते हैं कि यहाँ से आप हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है ना। अब जो रेड वाला होगा वो पावर दे दो, कन्फ्यूजन वाली बात होगी, रेड वाला अब कौन सा है, ये वाला है, अब ये हमें कट करना है तो हम इसकी पावर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला है तो हम इसकी पावर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गया, अब ये चीज हो गया, 2 सेकेंड, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब तो काफी बंदों को ये कंफ्यूजन रहती है। अब देखो ये अलग अलग करोगे तो आपका इनग्रेविंग पहले होगा, ठीक है ना, इनग्रेव पे है तो अब इनग्रेविंग होने में टाइम लगेगा। कभी कभार सॉफ्टवेयर ना थोड़ा सा दिमाग से उल्टा हो जाता है। अब इनग्रेविंग पे अगर यूज जो डिफॉल्ट करोगे ना, तो ये आपका ये लाइनें भी कट होने लग जाएगी कभी कभार। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, जब भी मैं आपको ये तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कभी आप ये ऐसा तरीका मत इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ये तरीका हो चुका है, मतलब कि बहुत ही खराब है तरीका, मतलब ये वाला वेस्टेज है, मतलब कि, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होएगा, आपकी शीट वेस्ट होएगी, आपकी लेजर ट्यूब का मतलब कि टाइम लिमिट जो होती है लेजर ट्यूब की, ठीक है ना, वो भी डैमेज हो जाएगा, मतलब, ठीक है ना। मतलब के लिए इस्तेमाल करो, सही तरीके के लिए इस्तेमाल करो, हम तो यही कहेंगे। चलिए तो आपको मैं एक वो बता देता हूँ, मैं इन प्रॉब्लम की क्या होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि लैम्प का तो हो गया, और मैंने आपको डिज़ाइन का बता दिया कि मैं आपको कम समय में आपको अपलोड करके दूंगा यार, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो आपको मैं अपलोड करके दूंगा जो इंग्रेविंग कस्टमाइज डिज़ाइन होते हैं। तो कुछ बंदे होते हैं उनको ज़्यादा ही मतलब कि ज़रूरी चाहिए, वो पेड ही ले लेते हैं, ठीक है ना, पेड सर्विस ले लेते हैं, वो मतलब कि अर्जेंट चाहिए, जैसे कि हमें कॉर्नर्स के डिज़ाइन हो गए, इंग्रेविंग के मतलब कि जैसे कि वर्साचे हो गया, गुची हो गया, जैसे कि आपका कोई भी एलवी हो गया, ठीक है, गोल्डन पैनल के लिए कई बंदे ने डिज़ाइन लिए हैं, पेड सर्विस ली है, तो वो चीज़ हो गया। कोई बंदे को जल्दी होती है मतलब कि ज़्यादा ही, तो वो ज़्यादा नहीं मतलब कि उनके लिए ही काम है यार, उनको चाहिए उनको, तो हम ये भी नहीं बोलेंगे ज़्यादा जल्दी है, लेकिन उनको ये चीज़ है कि उनको समझ आना चाहिए मशीन को पहले, कि आपको सॉफ्टवेयर का तरीका क्या होता है चलाने का, सही तरीका हर चीज़ आप मतलब कि ये हम चाहते हैं कि आप मिनट से पहले मतलब कि हमें हमारी ज़रूरत ना पड़े आपको सॉफ्टवेयर चलाने, मतलब कि ये चीज़ आपको आ गई तो आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, वो चीज़ हमें मेन इम्पोर्टेंट बात चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपना मतलब कि वो बताता हूँ कि क्या चीज़ होता है। जैसे कि मान के चलिए, अब प्रॉब्लम बता देता हूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है हमारी जैसे कि अब मान लीजिए काफ़ी बंदे होते हैं ना जो अपना ही डिज़ाइन बनाने की करते हैं, जैसे कि हमने, अब ये मेन प्रॉब्लम है कि ये आप कभी मत करना मतलब कि सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है ना,
इसलिए आसान तरीका बता रहा हूँ कि क्या करना आप, ठीक है ना, वो चीज़ आप करना जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, काफ़ी बंदे करके उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर वो हमसे पूछते हैं कि सर हमने ये किया था ऐसे, हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, हमारी मतलब कि कोई काम नहीं कर रहा, कोई सॉफ्ट की काम नहीं कर रही, जब हम कोई भी अपना फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं वो कुछ काम नहीं करता, या फिर हमने कोई भी अपना एक टेम्पलेट काटा तो वो कट नहीं रहा, ठीक है ना। वो चीज़ क्या होता है कि काफ़ी बंदों का एक चीज़ और होता है, जैसे कि हमने इंपोर्ट किया तो हमारा ये खुल जाता है, ठीक है ना, इंपोर्ट किया तो ये खुल जाता है, वो अपडेट मांगता है सॉफ्टवेयर। इसका मतलब कि क्या है, वो अपडेट मांग रहा है, ठीक है ना, वो अपडेट करो आप सॉफ्टवेयर अपना। तो जैसे कि अब मैं बता देता हूँ आपको अपना जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि हमने ये किया, फटाफट मैंने एक डिज़ाइन बना लिया, ठीक है ना, फटाफट से मैंने एक डिज़ाइन बना लिया। अब मेरे को क्या है कि काफ़ी बंदे जो है गोल्डन इनग्रेविंग बहुत करते हैं, जो कि डिज़ाइन सेव करके रख लेते हैं अपने कस्टमर के लिए, ठीक है ना, वही मतलब कि वही उनके लिए ज़्यादातर, मैं वो बता रहा हूँ कि काफ़ी बंदे हैं जो अपना सेव कर लेते हैं। अब जैसे कि हम मान लीजिए हमें कोई भी एक डिज़ाइन हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमने उठा लिया, ये उठा लिया मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो काफ़ी बंदे जो हैं कस्टमाइज मांगते हैं, अपना पेस्ट कर लिया, अब ये आपको कट पे दिखा रहा है तो हमें इनग्रेव पे करना पड़ेगा, जैसा कि मैं रोज़ बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, सॉरी, रोज़ तो मैं ट्रेनिंग वालों को ही बताता हूँ। तो चलिए, तो जैसे कि हमने ये कर लिया, अब ये हमें उल्टी बैक साइड पे करनी होती है, तो हमने ये कर लिया। अब ये हमने बना लिया, बंदे ने इनग्रेव कर लिया, गोल्डन पैनल ये बना लिया, तो हमें ये पता है कि ये हमारा एक्सियोमी कुछ पता नहीं किसका है, तो लेकिन एक्सियोमी पोको वन का मान लेते हैं, कोई इसका है पोको वन एफ वन का, जिसका भी मान लीजिए, कोई भी मॉडल का बना रखा है हमने, तो वो हम सेव करते हैं। काफ़ी बंदे क्या होते हैं सेव करते हैं, तो वो इसमें इसमें ही सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, इस फोल्डर में। जैसे कि कोई हमने फोल्डर बना रखा है MMD, अब मैं ये बताता हूँ ये कहाँ पे मिलेगा आपको, लोकल डिस्क सी में, ठीक है ना, ये आपको लोकल डिस्क सी में मिलेगा, लोकल डिस्क सी में MMD फोल्डर मॉडल्स, और ये आपको सारे ही फाइल्स के मॉडल्स मिल जाएंगे, मतलब कि टेम्पलेट्स के मॉडल्स के मिल जाएंगे, सीरीज मिल जाएगी आपको कि कौन कौन से मॉडल्स टेम्पलेट दे रखे हैं। तो काफ़ी बंदे हैं जो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करके, या फिर अपना कोई भी अपना मॉडल बना के, मान लीजिए हमने एक अपना नाम दिया TH मान के, ये मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, आपको बताऊंगा क्यों करूंगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने ये पोको कुछ भी XYZ डाल देता हूँ, मैंने ये डिलीट कर लिया, मतलब कि सेव कर लिया, ओपन कर लिया। तो ये भी काम हो सकता है, जैसे कि आपका ये जो आपने बनाया था वो आपका पहले रीड डाटा करना है, ठीक है ना, अब सेव हो गया, तो पोको अब देखो ये आपका आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, अब जैसे कि देखो, ये आ तो गया, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ बंदों में, जैसे कि कुछ कुछ बंदों में ये काम कर जाता है, ठीक है ना, ये ज़्यादातर अगर मैं बंद करके चालू करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, मेरे को सॉफ्टवेयर डिलीट करके वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखो ये आपका, ये देखो कहाँ चला गया, पहले आपका कहाँ था, आपका कहाँ चला गया, अब सॉफ्टवेयर ये सिलेक्ट नहीं होएगा, ये देखो मोबाइल टेम्पलेट आपका सिलेक्ट नहीं होएगा, ठीक है ना, अब यहाँ से हमें सिलेक्ट करेंगे तो जब होएगा, ठीक है ना, वो कट करने में दिक्कत आती है, ठीक है, ये देखो आपका ये लाइन आ गई, तो ये चीज़ है ना, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। आप सेव करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ वो आप कहाँ करो, ठीक है ना, जैसे पहले मैं इसको फोल्डर को ना डिलीट कर लेता हूँ यार, क्योंकि ऐसे हमारे साथ बहुत हो चुका है, जब भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैं आपको ऐसा जो चीज़ हुई है मेरे साथ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वॉर्न कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करो, ठीक है ना।
पहले मैंने कहाँ किया था, लोकल डिस सी में, एमएमडी में, मॉडल में गया था, और मैंने क्या लिखा था, पोको पोको, अरे पोको नहीं, टी एच, सॉरी, टी एच का फोल्डर बनाया था ना, जिसमें इसमें सेव किया था, लेकिन हमें टी एच का फोल्डर मैं डिलीट मार दूंगा। काफ़ी बंदे हैं ना जो उसमें ही लाना चाहते हैं, ठीक है ना, काफ़ी जो बंदे हैं उसमें ही लाना चाहते हैं। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ला के भी दिखाया था मैंने बंदों को, ठीक है ना, ये लोकल डिस्क सी का मतलब कि फोल्डर खुला हुआ है, एमएमडी का मतलब कि फोल्डर, मॉडल उसके अंदर का फोल्डर, ए उसके अंदर का फोल्डर, तो ये सारे फाइल्स वो उसी के अंदर टेम्पलेट्स दे रखा है। अब ये आप सेव कहाँ करो, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, हमने भी काफ़ी बंदे ने ये करके हमें पता लगा कि ये चीज़ इसकी वजह से हो रहा है जब भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना, जो मशीन नहीं ले लेते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं बताते, मतलब कि काफ़ी बंदे हैं कि जो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है ना, उनको दिक्कतें आती हैं काफ़ी मशीन्स को चलाने में, तो ये लो, तो ठीक है, जैसे कि हमने ये बनाया, कोई भी एक मॉडल का ले लिया हमने, सैमसंग पता नहीं कौन सा है, मेरे को मोबाइल के मॉडल्स के ज़्यादा पता नहीं है, मेरे को बस डिज़ाइंस की नॉलेज है, ज़्यादातर मेरे को डिज़ाइंस की नॉलेज है, जब भी मैं आपको मशीन के बारे में फुल नॉलेज है, ये नहीं है कि मशीन के बारे में भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फुल नॉलेज है इसके। अब नॉलेज कैसे है, अगर आप 5 साल तक इसमें ही लगे रहो तो आप यार सीख ही जाओगे यार, आप, मैं कह रहा हूँ 2 महीने कोई चक्कर नहीं है, आप ढंग से मतलब कि चलाओ ना, हमेशा की टेम्पर्ड काटो, ये चीज़ है, आप हर चीज़ नोटिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा, मतलब कि 1 महीने के अंदर या अंदर आपको ये चलाना सीख जाओगे, ये चीज़ है। आप अब जैसे कि हमने ये ले लिया, ठीक है ना, अब ये ले लिया, अब ये चीज़ हम थोड़ा इसको हम इनग्रेविंग पे करना चाहता हूँ ना, पहले मैं इनग्रेविंग पे करूँगा इसको, ठीक है ना, इनग्रेविंग पे कर लिया, इसको कट से हटा लिया, ठीक है, अब ये मैंने फ्लिप कर लिया, इनग्रेविंग कर ली, अच्छे से आ गई मेरी, ठीक है ना, बढ़िया सी आ गई। अब सॉरी, मैंने ये बैक आउटपुट के वहाँ चला गया, अब ये मैं एक्सपोर्ट करता हूँ फाइल में, सेव में जाके, तो मैं इसका ना अपनी पेन ड्राइव में ही मैं एक नया फोल्डर बना रखा है, मैंने काफ़ी सारे फोल्डर्स बना रखे ना, उसमें सेव करता हूँ मैं, तो इसलिए आप कहीं भी अपना एक फोल्डर बना लो, जैसे पेन ड्राइव नहीं है तो, मतलब पेन ड्राइव मैंने इसलिए डाल रखी है क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर होता हूँ तो मैं उसको निकाल के आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है ना, पेन ड्राइव में इसलिए डाल रखी है मैंने, सारी फाइल्स जो हो गए, डिज़ाइंस हो गए, मैंने इसलिए सेव कर रखे क्योंकि अगर मैं कहीं भी हूं ना, आपकी हेल्प हमेशा कर सकूं, ठीक है ना, मेरे लिए आप सब लोग पहले हो। तो चलिए, लोकल डिस्क सी में मैंने कहीं भी, आपको फोल्डर क्रिएट का ही आता है हमेशा, कहीं भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, डाउनलोड्स में कर सकते हो, कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें जैसे कि मैं TH, अब जैसे कि मैंने ये कर लिया, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होएगा, गारंटी है ये मेरी, ठीक है ना, तो नहीं तो फ्री सर्विस दूंगा मैं साल साल तक, अगर ये चीज़ आपका बाहर सेव करोगे तो, अगर कुछ हो लिया मशीन में, ठीक है ना, ये चीज़ है, फ्री सर्विस दूंगा, ये है, सर्विस देने के बाद मैं हमेशा हर किसी की हेल्प करता हूँ। तो जैसे कि अब मैंने देखो सैमसंग का लिया था, तो सैमसंग डाल देता हूँ, आसू सैमसंग, ठीक है ना, कुछ भी मॉडल डाल दिया ये, ठीक है ना, अब देखो ये चीज़ है ना, मैंने ऐसे सेव किया है, तो अब आप कई काफ़ी बंदे होते हैं ना, तो ओपन करते हैं कंट्रोल प्लस, या फिर ऐसे बंदे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ओपन नहीं करना, ओपन करोगे तो आपका क्या होगा, इस टाइप से आएगा, इस टाइप से, तो पेज छोटा हो गया, अब आपको पता भी नहीं है क्या चीज़ हो गया, ठीक है ना, काफ़ी बंदे हैं जो ओपन करते हैं, ये गलती भी आप ना करो, ठीक है ना, ये गलती भी आप कभी ना करो, इसलिए हम पहले ही, जैसे कि मैं पहले अब साइज़ डाल देता हूँ, वैसे साइज़ का मैंने बता रखा है कि आप कहाँ पे पेज साइज़ डालो, पूरा मतलब कि फुल ट्यूटोरियल बता रखा है, लेकिन कुछ पार्ट्स है ना जो ट्यूटोरियल्स में भी बंदों को कन्फ्यूज़न रहती है, जब भी बंदे कम से कम ट्रेनिंग लेते हैं, हाफ से ज़्यादा तो बंदे ट्रेनिंग ही ले रहे हैं मशीन की पेड सर्विस से, तो चलिए अब कंट्रोल प्लस आई दबाओगे, इंपोर्ट करोगे, ठीक है ना, अब इंपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल प्लस आई से इंपोर्ट होगा,
जैसे यहाँ पे आपने किया सैमसंग खोलोगे तो आपका वैसे पेज छोटा नहीं होएगा, उस टाइप का आपका पूरा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस ओ करोगे, ओ दबाओगे ओपन होगा, तो फोल्डर आप खोलोगे, ये फोल्डर खोल लिया आपने तो ये आपका अलग हो गया, ठीक है ना, वो चीज़ हो गया। तो ये आपका फोल्डर ओपन होके वो जो आपने सेव किया था वो चीज़ आपकी यहीं पे आ गई, ठीक है ना। तो ऐसी गलती ना करना। और जैसे कि मैंने आपको लैम्प का बताया, लैम्प का पे मेन था हमारा, लैम्प का भी और जो हमारे डिज़ाइंस का भी, सभी मेन है हमारा जो आपने मशीन ले रखी है, ठीक है ना। अब हर कोई अपना अपना डिज़ाइन, ये अब ये डिज़ाइंस हो गया, अब काफ़ी बंदे ये भी बहुत ही अपना हो गया जो बना रहे हैं, ठीक है ना, सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि सैलून पे चाहिए ये डिज़ाइंस, काफ़ी बंदों को अलग अलग जैसे कि टाइप के बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यार पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिसके पास यार ये मशीन है ना यार, जो मतलब कि यूज़ ही नहीं कर रहा, तो उनको ये दिखाओ कि आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या बना सकते हो यार इस मशीन से आप, बहुत ही कुछ है जिसको हम मतलब कि यूट्यूब पे नहीं बता सकते यार, ठीक है ना। यूट्यूब पे बताने वाली चीज़ ही नहीं है वो, ठीक है ना। बता दिया तो मतलब समझ लो पब्लिक हो गई, वो वीडियो ही पब्लिक हो गई, तो हमने वो आइडिया ही सबको बता दिया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर जिसके पास ये मशीन है तो उस वीडियो को, इस वीडियो को सॉरी शेयर करो, ठीक है ना, उस बंदे तक पहुंचा दो ये वीडियो। तो जिसने भी चैनल को अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया है, वापस से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलो जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर अवर वीडियो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताओ, कमेंट मतलब कि व्हाट्सअप नहीं कर सकते तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपको इस वीडियो के पूरा ही लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी आपका मतलब कि कॉन्टैक्ट का लिंक होगा, जो भी आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसमें आपको हम डिज़ाइंस डालते रहते हैं, कुछ जैसे कि वेबसाइट पे नहीं डाल पाए तो हमने टेलीग्राम पे लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे भी आप ये फॉलो कर लो, पर लेकिन हमारा तरीका भी अलग होता है, हम बताते नहीं हैं किसी को तरीके कि हम अभी मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हम बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब पे आपको मैं एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूँ जल्द ही, जिससे आप बहुत ही खुश होने वाले हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।